हाय बच्चा पटेल, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 23 बुक फॉलो कर रहे हैं। आर एस टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे 15 नंबर से, 1 से लेकर के 14 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब नहीं आया समझ में। देखो ये वाला है इधर से, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर से कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना। हमने माना कि इसके साथ अल्फा बनाती है, वाई के साथ बीटा एंगल बनाती है और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा कितना आई, ये कितना हो गया आई, ये कितना हो जाएगा जे, और इस पे कौन सा यूनिट वेक्टर के, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप यहाँ देखिए, गिवन वेक्टर कितना है, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आई प्लस जे और प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या है, सबसे पहला काम ए का पहले मॉड निकाल लो। तो ए का मॉड क्या होगा, आई का कोफिशियंट 1 तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशियंट 1 तो 1 का स्क्वायर, के का कोफिशियंट 1 तो 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो मॉड ए कितना निकला, रूट 3। अब क्वेश्चन क्या है कि ए जो है क्या करता है, एक्स एक्सिस अल्फा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, हमने माना लेट वेक्टर ए मेक्स क्या एंगल, एंगल क्या बना रहा है अल्फा बीटा एंड गामा विद किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है यहां पर से, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस मतलब ये हो गया गामा है, ये क्या है गामा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों हो जाएगा। अब ए और डॉट आई निकालेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर का पहले मॉड, सॉरी यहाँ पर आई है, यहाँ पर हम आई देंगे इनटू कितना कॉस, आई और ए और आई के बीच में क्या एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है तो कॉस अल्फा, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या है, आई प्लस जे प्लस के, तो यहाँ लिखिए आई प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट आई, ए का मॉड कितना रूट थ्री, आई यूनिट वेक्टर है इसका मॉड कितना होगा 1, इधर से कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है ना। आई वाले को आई के साथ करोगे तो इधर से कितना हो जाएगा 1, ये रहा रूट थ्री, इधर से कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय, हम इधर से क्या रूट थ्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 3, तो अल्फा निकल गया। चलो एक एंगल निकला, अब दूसरा फिर क्या निकालेंगे, ए का किसके साथ, ये जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लिखिए ए डॉट जे क्या हो जाएगा, ए का मॉड जे का मॉड इन टू कितना कॉस, इस दोनों के बीच में क्या एंगल बना रहा है बीटा। चलो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना है, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट इधर से जे बराबर में कितना है, इधर से हो जाएगा रूट थ्री, इसका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस बीटा। जे वाले को जे के साथ करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा 1, इधर से कितना हो गया रूट थ्री इन टू कितना कॉस बीटा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू फाइनली 1 और अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, एकदम होगा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट थ्री, ठीक है, बीटा निकल गया। चलो अब ए का क्या करेंगे, गामा के साथ, सॉरी ए का क्या करेंगे, के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर से क्या लिखेंगे, ए डॉट कितना के इज इक्वल टू क्या होगा, ए का मॉड फिर के का मॉड और कॉस, यहाँ पर से क्या है ए और के के बीच में क्या एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है गामा बना रहा है, यहाँ पर इसको लिखिए गामा। ए का वैल्यू आई प्लस जे और प्लस के, क्या बोले ये क्या है, ये है के डॉट के, यहाँ पर से कितना हो जाएगा रूट थ्री, क्योंकि ए का मॉड रूट थ्री यहाँ निकाले हैं और के यूनिट वेक्टर है तो 1, यहाँ पर हो जाएगा कॉस कितना गामा। तो के वाले को के साथ करेंगे तो 1, इधर से हो जाएगा रूट थ्री इन टू कितना कॉस गामा, कॉस गामा को पहले लिख लो, इधर कितना हो जाएगा 1 बाई रूट थ्री, यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 बाई रूट थ्री, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा क्या है, सेम एंगल बना रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों क्या है सेम आया। तो
यही तो प्रूफ करना था, दिखाइए कि वेक्टर ए क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। यहां पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्या है, इज इक्वली इंक्लाइंड, इज इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड विद किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल पाई बाई 4 विद एक्स एक्सिस एंड पाई बाई 2 विद किसके साथ, जेड एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्यूट एंगल विद किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। मतलब एक वेक्टर ए निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 5√2। तो पहले लेट ए इज इक्वल टू कितना, क्या मानेंगे बोलो, ए इज इक्वल टू मान लीजिए आप ए वन आई प्लस कितना बी वन जे प्लस कितना सी वन के, मान लीजिए ठीक है ना। और यहाँ पर से क्या दिया हुआ, देखो मान लो इधर से ये वाला कोई एक्स एक्सिस, ये कितना वाई एक्सिस, ये कितना जेड एक्सिस, और यहाँ मान लो वेक्टर ई है ठीक है ना, इसके साथ अल्फा बनाती है, इसके साथ क्या बनाती है बीटा बनाती है, और इसके साथ क्या बनाती है गामा बनाती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए कितना एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 4, तो अल्फा के जगह पर कितना पाई बाई 4 देंगे, बीटा कितना वाई एक्सिस के साथ पाई बाई 2, तो बीटा कितना पाई बाई 2 हो जाएगा ठीक है ना। ये ऐसे है तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते ऊपर ऊपर जेड एक्सिस, इसीलिए हम ए को हम डायरेक्टली ऐसे खींच दिए हैं ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसका मोड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ए वन का स्क्वायर प्लस कितना इधर बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5√2, तो यहाँ लिखिए 5√2 और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे यहाँ कितना हो जाएगा 25 दूना 50, यानी देखो ना 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो 25 × 2 = 50 स्क्वायर से इधर रूट हट जाएगा, तो ए वन का स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर। इसको पहले लिख लो ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर बराबर 50, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट ठीक है ना। इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर से वेक्टर ए, यानी हमने यहाँ पर क्या माना, मानना क्या है कि अल्फा आपका कितना बना रही है 45 यानी पाई बाई 4 ठीक है ना, बीटा कितना बना रही है पाई बाई 2 बना रही है ठीक है ना, एंड गामा इज इक्वल टू हमने माना क्या थीटा, गामा क्या बना रही है थीटा। ये हो गया कितना आई यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है आपका जे यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है आपका के यूनिट वेक्टर ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ है, ये हम मान लिए। अब क्या करना है ए डॉट आई निकालना है, तो ए डॉट आई मतलब क्या, ए का मॉड फिर आई का मॉड फिर इधर से कॉस कितना बोलो अल्फा, तो अल्फा की जगह पर पाई बाई 4 है, यहाँ पाई बाई 4 दीजिए। ए का वैल्यू कितना ए वन आई, ए कितना माने ए वन आई प्लस कितना बी वन जे प्लस कितना इधर से सी वन के डॉट प्रोडक्ट आई। ए का मोड कितना, ए का मोड है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, देखो ना 5√2 दिया हुआ ना, आप यहाँ लिखेंगे 5√2 इंटू कितना आई यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर इसका कितना जगह वैल्यू है कॉस पाई बाई 4 कितना होगा 1√2, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिर्फ ए वन आई इंटू इसका फंक्शन 1, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ ए वन, बी वन सी वन नहीं होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि आई यहाँ पर है जी के नहीं है, तो ए वन बराबर कितना निकला यहाँ सिर्फ 5 निकला ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे ए डॉट जे निकालेंगे, तो अब निकालिए ए डॉट जे, तो ए डॉट जे मतलब दोनों वेक्टर का मोड इंटू कितना कॉस। अब ए और जे के बीच में एंगल क्या बन रहा है बीटा बन रहा है, और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ पाई बाई 2, ये रहा पाई बाई 2। तो ए का वैल्यू कितना ए वन आई प्लस कितना बी वन जे और प्लस कितना बार है सी वन के डॉट प्रोडक्ट जे। ए का मोड कितना है 5√2, ए का मोड कितना 5√2 इंटू जे का मोड कितना है 1, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 1 जी 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 नहीं सॉरी जे का वैल्यू तो 1 ही होगा ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0। अब यहाँ पर से क्या करेंगे जे वाले जे के साथ यहाँ कितना जाएगा बी वन कॉस 90 0, तो सबको क्या आ जाएगा 0, तो बी वन कितना निकला 0, बी वन निकला 0, बी वन कितना निकला 0 ठीक है ना।
अब क्या करना है बोलो ना, अब ए डॉट आई निकाल लिए, जे निकाल लिए, अब ए डॉट के निकालेंगे, ए डॉट के, तो क्या होगा बोलो, ए का मोड, फिर के का मोड इनटू कॉस कितना गामा, गामा की जगह पर क्या माने हैं, थीटा माने हैं, चलो ए का वैल्यू कितना ए वन आई प्लस कितना बी वन जे प्लस कितना सी वन के, यहाँ के ए का मोड कितना होगा, फाइव रूट टू दिया हुआ, तो आप यहाँ लिखेंगे फाइव रूट टू इंटू के कितना हो जाएगा वन, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, तो फाइनली के वाले ओके के साथ तो सी वन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो फाइव रूट टू इंटू कॉस थीटा, तो सी वन, ये क्या है आपका सी वन निकला, ठीक है ना, क्या है आपका, अगर ए बी ए वन बी वन सी वन का वैल्यू निकलेगा इसमें पुट कर देंगे तो यही तो वेक्टर है निकल जाएगा, ए वन निकला बी वन निकला लेकिन सी वन नहीं निकला, क्यों निकला है, क्योंकि कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है आपको C1 का वैल्यू निकालने के लिए, A1, B1 और C1 इस सब का वैल्यू क्या कर दीजिए, एक क्वेश्चन सेकंड में पुट कीजिए, अब यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या A1, B1 एंड C1 इन इक्वेशन सेकंड, किसमें सेकेंड में, ये क्या है पुटिंग, इक्वेशन सेकेंड क्या है ए वन का स्क्वायर, चलो इसको लिखते हैं यहाँ, यहाँ है ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर बराबर 50, ठीक है, तो ए वन कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, चलो बी वन, तो बी वन कितना हो जाएगा 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस सी वन का स्क्वायर, ये क्या इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 बाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 50, ये 50 को उधर ले जाओगे, ये रहा आपका 50, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा 50 माइनस 25, तो 50 इज इक्वल टू कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 25, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 बार अपॉन कितना इधर से 50, ये कट गया तो 1/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1/2, अब यहाँ पर से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है एक्यूट एंगल, तो हम सिर्फ प्लस ही लिखेंगे रूट टू, ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू किसका वैल्यू रूट टू कॉस पाई बाई फोर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकला पाई बाई फोर, अब थीटा का मान यहाँ पर दोगे तो सी वन निकलेगा, इसीलिए सी वन इज इक्वल टू कितना यहाँ 5√2 इंटू कितना कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई फोर, यहाँ देखो 5√2 सही है, यहाँ कितना 1/√2 कट गया, ये कितना निकला 5, तो सी वन का वैल्यू कितना निकला 5, ठीक है ना, तो ए वन बी वन और सी वन निकल गया। अब क्या करना है ए वन बी वन सी वन का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, यहाँ पर से क्या लिखेंगे पुट, दिख रहा है यहाँ पुट ए वन बराबर कितना, ए वन है 5, बी वन है 0 एंड सी वन भी है कितना 5, इन किस में करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा वेक्टर ए बराबर कितना होगा बोलो ए वन आई, तो ए वन की जगह पर कितना 5i, ठीक है ना, प्लस कितना बी वन 0 है तो जे वाला पर नहीं लिखेंगे, फिर सी वन है क्या के, तो 5 प्लस के, तो ए वेक्टर ए इक्वल टू क्या निकला 5i प्लस 5k, ये 5 है, ठीक है ना, तो ये ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाती है पाई बाई फोर एंगल, बी के साथ कितना सॉरी जे वाई एक्सिस के साथ बीटा मतलब पाई बाई टू एंगल, और जेड एक्सिस के साथ सॉरी हाँ जेड एक्सिस के साथ कितना बनाती है आगे पाई बाई फोर बनाती है, क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ए और बी का वैल्यू दिया हुआ, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस बी फिर वेक्टर ए माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ है आपके पास, वेक्टर ए है कितना 2i माइनस जे एंड प्लस 3k राइट, और वेक्टर बी कितना दिया है 3i प्लस जे एंड प्लस 2k राइट, अब क्या करेंगे ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी, तो ए में बी को जोड़ दो तो 2i माइनस जे एंड प्लस 3k प्लस कितना बी, तो बी वेक्टर कितना है 3i प्लस जे एंड प्लस 2k राइट,
अब आई वाले को आई के साथ, तो 2i प्लस 3i मतलब कितना 5i, माइनस j और प्लस j कट गया, 3k प्लस 2k ये कितना हो गया 5k, ठीक है ना। ये रहा आपका a प्लस बी। अब क्या करो, a प्लस बी का मॉड निकाल लो। मॉड के निकालने के लिए क्या है, सिंपल है सर, i का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस k का जो कोफिशियंट है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 25 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 50, 50 को क्या लिखते हैं 5√2 लिखते हैं, लिखते हैं ना। ये क्या निकला आपका a प्लस बी का मॉड निकला। अब क्या निकालना है आपको, a माइनस बी निकालना है। तो a का वैल्यू कितना 2i माइनस 3j, 2i सॉरी माइनस j एंड प्लस 3k, माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3i माइनस j माइनस 2k, 2i प्लस एक मिनट 2i माइनस आई माइनस 3i तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस जे और माइनस जे तो माइनस 2j, उसके बाद 3 इधर से 2 माइनस होगा, तो कि ये कह रहा है आपका a माइनस बी यहाँ, ठीक है ना। अब क्या करना है, a माइनस बी का मॉड निकालेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से कितना हो जाएगा मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू, इधर से कितना होगा 1 4 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा रूट अंडर 6 होगा, यही ना होगा, a माइनस बी का मॉड 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का 4 1 5 1 6 रूट 6 हो गया। अब क्या करना है नाउ, अब निकालो क्या a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो a प्लस बी क्या निकला 5i प्लस 5k, ये कितना है 5i और प्लस 5k, राइट। एंड डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी, a माइनस बी कितना निकला है माइनस आई माइनस 2j प्लस k, माइनस आई माइनस 2j और प्लस k, ठीक है। अब यहाँ a प्लस बी और डॉट प्रोडक्ट कितना a माइनस बी, 5 को इससे करोगे तो माइनस 5, ठीक है ना, k वाले को k के साथ करेंगे तो प्लस 5, ये तो जीरो निकल गया, ये क्या निकला 0। अब क्या करना है आपको, ध्यान दो नाउ, एंगल के लिए, एंगल के लिए क्या लगाते हैं, a प्लस बी का मॉड सॉरी a प्लस बी का और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a प्लस बी का मॉड उसके बाद बोलो बोलो a माइनस बी का मॉड i इंटू कितना cos थीटा, लेकिन a डॉट बी आपके पास क्या निकला a प्लस बी a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या निकला 0, और ये कितना है a प्लस बी का मॉड निकाले हैं 5√2 5√2, और a माइनस बी का मॉड क्या निकला है रूट 6 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर फाइनली कितना हो जाएगा 0 अपॉन ये सब नीचे आ जाएगा 5√2 इनटू रूट 6, ये फाइनली इधर से कितना निकला cos थीटा 0 अपॉन समथिंग कितना 0, किसका वैल्यू 0 होता है cos pi / 2 का यानी 90 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, यही एंगल निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ इस क्वेश्चन को, एक्सप्रेस द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस वन एज द सम ऑफ टू वेक्टर, यानी वेक्टर ए जो है दो वेक्टर के सम इक्वल है, सच दैट ऐसा है कि दोनों जो वेक्टर का सम होगा एक क्या होगा पैरेलल होगा बी के, और जो दूसरा वेक्टर होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा बी के, ठीक है ना। पहला पैरेलल बी के और दूसरा परपेंडिकुलर होगा बी के, तो वेक्टर कैसा होगा निकालो, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात, हमको नहीं पता कैसा है होगा, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर गिवन है आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आई सॉरी 6i माइनस 3j और माइनस 6k, ठीक है। अब चलो बी वेक्टर कितना दिया हुआ आई प्लस जे और प्लस के दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लेट यहाँ पर हम मान लेंगे ए बराबर क्या बोलता है टू वेक्टर का सम है, तो सी और प्लस डी मान लेंगे। जो सी है क्या कहता है वन इज पैरेलल, तो सी पैरेलल है, सी पैरेलल है किसके बी के, सी पैरेलल है बी के, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी पैरेलल है बी के। कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो सी बराबर कितना लैम्डा बी, ठीक है ना। तो सी इज इक्वल टू लैम्डा तो सही है, बी की जगह पर क्या है आई प्लस जे प्लस के है, लिख दिए हम, ठीक है ना। फिर आते हैं हम इधर से सी जो सॉरी वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर है बी पर, देखो लास्ट लाइन क्या कहता है
अनदर वेक्टर, यानी अनदर वेक्टर डी परपेंडिकुलर किस पे, बी पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब वेक्टर डी पता नहीं है, वेक्टर डी पता नहीं है, तो मान लीजिए यहां पर लेट, हमने माना यहां पर से लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू डी वन आई प्लस कितना डी टू जे प्लस डी थ्री के, राइट। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, डी डॉट बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वन आई प्लस डी टू जे प्लस डी थ्री के डॉट प्रोडक्ट, यहाँ कितना बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, आई प्लस जे प्लस के है, अब बराबर में जीरो, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट निकलो, डी वन को वन से करोगे तो डी वन प्लस कितना इधर से डी टू, फिर इधर से कितना जाएगा डी थ्री, बराबर कितना इधर जीरो निकला, अरे निकला ना। चलो अब यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से देखो ए बराबर कितना है, सी प्लस बी है ना, ए बराबर सी प्लस डी है, यहाँ है ए बराबर क्या लिए हम, सी प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना, सिक्स आई माइनस थ्री जे, सिक्स आई माइनस थ्री जे और माइनस सिक्स के, ठीक है ना। अब बराबर में क्या है, सी, सी का वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और वेक्टर डी क्या है, डी वन आई, यहाँ पर क्या है वेक्टर डी, डी वन आई प्लस कितना डी टू जे प्लस कितना इधर से डी थ्री के, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सिक्स आई माइनस थ्री जे और माइनस कितना सिक्स के, लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा आई प्लस कितना लेमडा जे प्लस कितना लेमडा के प्लस कितना यहाँ से डी वन आई प्लस कितना इधर से डी टू जे प्लस कितना इधर डी थ्री के, ठीक है ना। अब यहाँ पर से सिक्स आई माइनस थ्री जे माइनस सिक्स के, ठीक है ना। यहाँ देखो आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा लेमडा प्लस कितना डी वन आई इन टू आई, ठीक है ना। जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, कॉमन लो तो लेमडा प्लस कितना इधर से डी टू, इधर से कितना हो जाएगा जे प्लस, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, कॉमन ले लोगे लेमडा प्लस कितना डी थ्री आई इन टू, इधर से कितना हो जाएगा के, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग वी गेट, यानी कंपेयर करने पर आई वाले को आई के साथ इक्वल करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिक्स आई इक्वल टू लेमडा प्लस कितना डी वन, डी वन आई, आई से आई कट गया तो सिक्स इक्वल टू कितना लेमडा प्लस कितना डी वन, तो इसको इधर ले आओगे तो डी वन इक्वल टू कितना सिक्स माइनस लेमडा हो जाएगा, देखो तो लेमडा इधर ले डी वन, ठीक है ना। चलो तो फिर जे वाले को, तो जे वाले को करोगे तो जे इधर माइनस थ्री जे, यहाँ कितना है लेमडा प्लस टू, लेमडा प्लस सॉरी डी टू आई इन टू जे, जे से जे कट गया तो यहाँ क्या बचा माइनस थ्री इक्वल टू लेमडा प्लस कितना डी टू, यहाँ पर से कितना हो जाएगा माइनस थ्री माइनस लेमडा बराबर डी टू, तो डी टू बराबर फाइनली कितना हो जाएगा माइनस थ्री और माइनस लेमडा हो गया। चलो फिर क्या करेंगे हम बोलो बोलो, के वाले को के साथ, तो यहाँ रहा माइनस सिक्स के इज इक्वल टू लेमडा प्लस डी थ्री आई इन टू के, ये कट गया माइनस सिक्स लेमडा प्लस कितना डी थ्री, माइनस सिक्स माइनस लेमडा इज इक्वल टू डी थ्री, तो इधर लाए लेमडा को ना, तो डी थ्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस सिक्स और माइनस लेमडा, देखेंगे क्या निकला डी वन डी टू और डी थ्री निकला, लेकिन किसके फॉर्म में निकला, लेमडा के फॉर्म में निकला। अब क्या करो, डी वन डी टू डी थ्री का वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, आ गया ये वाला, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या डी वन डी टू एंड डी थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, यानी सबको जोड़ देंगे तो जीरो मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। तो चलो d1 का वैल्यू कितना, सबको जोड़ो माइनस सॉरी सिक्स माइनस लेमडा, फिर यहाँ पर माइनस थ्री या माइनस लेमडा, d3 का वैल्यू माइनस सिक्स और माइनस लेमडा बराबर जीरो, तो ये ना जी सब में सिक्स माइनस, ठीक है चलो यहाँ पर से प्लस सिक्स माइनस सिक्स कट गया, लेमडा माइनस लेमडा माइनस, तो माइनस थ्री लेमडा, ये माइनस थ्री बचा उसको उधर ले जाओ, लेमडा लेमडा कट गया, लेमडा का वैल्यू कितना निकला माइनस वन, देखो माइनस लेमडा बराबर, तो लेमडा बराबर माइनस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू इसमें रखोगे तो डी वन निकलेगा, इसमें रखोगे डी टू निकलेगा, इसमें रखोगे तो डी थ्री निकलेगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ कितना है डी वन बराबर है कितना
सिक्स माइनस लेमडा, डी वन बराबर सिक्स, लेमडा का वैल्यू कितना माइनस वन, तो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस वन, ये कितना आएगा सेवन, तो डी वन बराबर कितना निकला इधर से सेवन। फिर चलो डी टू इज प्लस टू कितना, डी टू है माइनस थ्री माइनस लेमडा, यहाँ पर है माइनस थ्री और माइनस लेमडा, तो डी टू इज प्लस टू माइनस थ्री, लेमडा का वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस वन, तो डी टू इज प्लस टू माइनस टू डी टू। अब डी थ्री निकालना है, डी थ्री कितना है माइनस सिक्स माइनस लेमडा प्लस वन, लेमडा का वैल्यू माइनस वन तो प्लस हो जाएगा ना, तो डी थ्री इज प्लस टू माइनस फाइव। ठीक है, अब क्या करो, डी वन डी टू डी थ्री का वैल्यू निकल गया, तो फाइनली आपके पास वेक्टर डी कितना हो जाएगा, यहां पर पुट करोगे तो वेक्टर डी निकलेगा। अब एक काम करो, इसका स्क्रीन शॉट लो, ले लिए बच्चों, हमने यहाँ निकाला d1 d2 d3 का वैल्यू, ठीक है ना। अब d1 d2 d3 का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर से वेक्टर d में पुट करो, तो वेक्टर d कितना माने d1 i प्लस d2 j प्लस d3 के, तो इसीलिए वेक्टर d इज इक्वल टू क्या होगा d1 i, तो d1 की जगह पर कितना 7i, ठीक है ना, और d2 j, तो d2 का वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू जे, डी थ्री का वैल्यू फाइव माइनस फाइव तो यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव के, ठीक है ना। अब लेमडा का वैल्यू कितना निकाले थे माइनस वन, लेमडा कितना था, लेमडा था आपका माइनस वन निकला था, ठीक है ना। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो सी वेक्टर निकलेगा, तो सी बराबर कितना होगा, देखो ना यहाँ पर माइनस वन दोगे तो माइनस वन, यहाँ आई प्लस जे और प्लस के, तो सी इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई माइनस जे और माइनस के निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सी और डी को ऐड करके देखना है क्या ए पूर्ता है, यही ना, ए बराबर सी प्लस डी लिए थे, सारा कंडीशन को देखते हुए हमने सी और डी का वैल्यू निकाला। अब सी और डी को ऐड करने के बाद क्या ए पूरा होता है, अगर पूरा हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, नाउ वेक्टर सी और प्लस डी, सी का वैल्यू माइनस आई माइनस जे और माइनस के, डी का वैल्यू इधर इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस सेवन आई, एक मिनट, सी प्लस डी है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, प्लस कर रहे हैं प्लस, सॉरी सॉरी प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर से प्लस से होगा, यहाँ माइनस टू जे और माइनस फाइव के, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस आई और प्लस इधर कितना सेवन, तो सिक्स आई, यहाँ माइनस जे और माइनस टू जे तो माइनस थ्री जे, माइनस फाइव के माइनस के तो माइनस सिक्स के, क्या ये वैल्यू ए का है, क्या है सिक्स आई माइनस थ्री जे और माइनस सिक्स के, ये वैल्यू क्या निकला वेक्टर ए, तो सी प्लस डी बराबर क्या निकला वेक्टर ए, वेयर जहां आपके पास वेक्टर सी पैरेलल है बी के, वेक्टर बी के, ये हो गया वेक्टर बी, ये क्या हो गया, एंड डी जो वेक्टर है वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर किस पे था, बी पर था, यही प्रूव करना था, ठीक है ना, कि वेक्टर सी और डी को जोड़ेंगे तो ए मिलेगा, जहां सी पैरेलल होगा बी के एंड डी पैरेलल परपेंडिकुलर होगा बी पर, क्लियर है। चलो अच्छा, क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक ले, बाय, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।